दोस्तों एक बार फिर से स्वागत हो गया आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पुट लाइफ हेल्टेक में। मेरा नाम दिलसाद और आज के इस नए वीडियो में हम कवर करने वाले टाटा आईपीएल के मैच नंबर 11 को, जो कि फिलहाल खेला जाएगा राजस्थान रॉयल वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच में। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं इस मैच में अच्छा प्रॉफिट करने के लिए, अपनी फंटेसी टीम बनाने के लिए, चाहे वो ग्रांड लीग हो या स्मॉल लीग या तो हेड टू हेड हो, तो बिल्कुल परफेक्ट वीडियोस में आ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों आपको इस मैच से जो है रिलेटेड इस वीडियो में हेड कॉर्ड्स, पेन रिकॉर्ड्स, प्लेयर बैटल, प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट की सटीक जानकारी, ग्रांड लीग की टीम एंड कैप्टन वर्सेस कैप्टन कॉम्बिनेशन सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरे भाई वीडियोज़ के साथ आपको इन तक बने रहना है एंड तभी आप अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे और एक अच्छी टीम दोस्तों जो है बना पाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे। दोस्तों जिस वीडियो को देख रहे हैं आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड क्लिक करने बाद आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक दिख जाएंगे। इस प्रकार से आपको एक लिंक पर क्लिक करना है एंड आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। दोस्तों जैसे आएंगे तो आपको ज्वाइन कर लेना है एंड यहाँ पर मेरे सारे अपडेट आपको मिल जाते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट प्लेयर जो हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, उनको भी कब लेना है कब नहीं लेना वो मैं आपको बताता हूँ एंड साथ साथ टीम होती है दोस्तों वो भी मैं यहाँ पर शेयर कर लेता हूँ। एंड बैक टू बैक हर मैच में दोस्तों हम विन कर रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, तो आप लोग भी दोस्तों जो है फटाफट वहाँ पर आ जाइए और अच्छा प्रॉफिट जो है करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड बात करते हैं इस मैच डिटेल्स के बारे में। देखिए जो मैच होने वाला टाटा आईपीएल का मैच नंबर 11 होगा, जो कि 8 अप्रैल इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग जो है मतलब स्टार्ट होगा 3:30 यानी कि दोपहर के बाद। और ये दोस्तों जो मैच है बारसपारा के स्टेडियम में होने वाला, जो कि गुवाहाटी में असम में पड़ता है गाइस। एंड एवरेज स्कोर यहाँ पे देखिए आपने देखा है 178 का रहा है, जो कि एक आईपीएल का मैच रिसेंट इस ग्राउंड पे खेला भी गया है। मतलब पूरे तरीके से दोस्तों पिच जो की रहती है बैटिंग फ्रेंडली रहती है। आगे बढ़ लेते गाइस, यहाँ पे मैच डिटेल्स के बारे में बात कर लिया हमने, हेड टू हेड की बात कर लेते हैं दोनों टीम के बीच में। टोटल जो है आईपीएल के 10 मैच खेले गए, जिसमें कि दोस्तों राजस्थान रॉयल्स को 3 बार विन मिली और दिल्ली कैपिटल को दोस्तों जो है 7 बार विन मिली। बट अगर आप देख रहे हैं तो यार दोनों टीम जो परफॉर्मेंस करके आ रही है, राजस्थान रॉयल्स एक मैच विन करके और एक हार करके आ रहे हैं और दिल्ली कैपिटल दोनों के दोनों मैच दोस्तों हार करके आ रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे चांसेस जहाँ तक लग रहे हैं ये मैच विन करने के राजस्थान रॉयल्स के, कि विन कर सके। हेड वार्ड दोस्तों जो है वो दिल्ली कैपिटल के पक्ष में रहने वाला। तो आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम विन करेगी, कॉमेंट्स करके दोस्तों जरूर बता दीजिए आप लोग फटाफट। अरे भाई आपने अभी तक रियल डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट सेक्शन में मैंने दे रखा है लिंक। एंड क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए लीडर बोर्ड भाई बहुत ही बड़ा लीडर बोर्ड यानी कि मेगा लीडर बोर्ड रियल पे है। फर्स्ट प्राइज बात करेंगे यहाँ पे 5 लाख का, सेकंड प्राइज ओला S1 Pro, थर्ड प्राइज iPhone 13 एंड उसके बाद फोर्थ प्राइज आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे 50,000, फाइव प्राइज 30,000। इस प्रकार से आप प्राइजेस चेक कर सकते हैं, तो फटाफट डाउनलोड करें। एंड उसके बाद बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों जो पिच रहने वाली है बारसपारा स्टेडियम, जो कि गुवाहाटी असम में पड़ता है। एंड बात करेंगे यहाँ पे जो स्कोर रहा आईपीएल का रिसेंट, जो कि आपने देखा है। देखिए दोस्तों जो टीम पहले बैटिंग करी है तो स्कोर क्या था 197 का, मतलब कि 197 रन, 4 विकेट गवा करके। एंड उसके बाद सेकेंड इनिंग दोस्तों 192, 7 विकेट के नुकसान पे बन गया था। मतलब चेस होते होते दोस्तों बच गया स्कोर, आपने देखा है। एंड उसके बाद देखिए जहां पे देखते हैं हेल्प जो बॉलर्स को मिली है, यानी कि किस प्रकार से पिच का बिहेवियर रहा गाइस, तो पेसर बॉलर्स को टोटल 8 विकेट मिली थी, जिसमें कि फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट और सेकेंड में दोस्तों 6 विकेट मिली थी। एंड स्पिनर को देखते हैं तो फिलहाल 2 विकेट मिली है, जिसमें कि फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, सेकेंड में दोस्तों स्पिनर को कोई खास हेल्प नहीं रही है। मतलब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए बाउंस आपको देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे जो बॉलर्स को हेल्प तो मिलेगी पेसर बॉलर्स को, साथ साथ बैट्समैन को भी या दोस्तों काफी अच्छी हेल्प मिल सकती है। स्कोर आपने देखा है पूरी तरीके से बैटिंग फ्रेंडली पिच रहने वाले। एंड अगर हम बात करेंगे स्टेडियम की, जो कि बाउंड्री किस प्रकार से रहेंगी दोस्तों, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ज्यादा कुछ बड़ा ग्राउंड नहीं रहने वाला। मतलब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, मतलब बैट्समैन यहाँ पे काफी तबाही मचा सकते हैं इस मैच में। तो ज्यादातर दोस्तों जो है अपनी टीम में बैट्समैन पिक करने की कोशिश करें, बॉलर्स को जो कि रखना दोस्तों पेसर कोई खास करके, स्पिनर को कुछ सेकेंड इन में हेल्प भी नहीं मिली वो भी दोस्तों आपने देख लिया। दोस्तों रियल पे अपना ओपिनियन कैसे देंगे, देखिए मैच को आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे टॉप अप पे एक दिखेगा ओपिनियन का ऑप्शन, जो कि न्यू फीचर्स है रियल का। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है एंड अपना पोल, अपना ओपिनियन जो कि दे सकते हैं, जैसे कि विच टीम विल स्कोर मोर रन इन पावर प्ले, मतलब कितने रन दोस्तों कौन सी टीम बना सकती है, तो आपको यहाँ पे अपना बताना है ओपिनियन, इस प्रकार से टीम को देना है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है, बुक स्लॉट आप क्लिक कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, यहाँ पे अपने स्लॉट जो कि बुक करके दोस्तों पैसे जो है विन कर सकते हैं। बात करते हैं टीम न्यूज के बारे में। रिसेंट जो आपने देखा टीम न्यूज दोस्तों सेम जहां तक रहने वाली है, बटलर जो कि आपको देखने को मिलेगा, जहां तक मुझे लग रहा है बटलर यहाँ पे थोड़ा सा मिस मतलब रह सकते हैं, यानी कि टीम में नहीं आ सकते गाइस, क्योंकि जोस बटलर इंजर्डी के चलते, क्योंकि फिंगर में आपने देखा था गाइस रिसेंट मैच में थोड़ा सा इंजर्ड हो गए थे फिंगर में, तो दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है इस मैच को वो मिस कर जाएंगे। एंड प्रसिद्ध कृष्णा आपको पता रूल डाउट है इस आईपीएल से। एंड दोस्तों जो और अपडेट रहेंगे वो टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, क्या जोस बटलर की जगह पर कौन सा प्लेयर यहाँ पे आने वाला है वो क्लियर करेंगे। एंड आगे बढ़ते गए यहाँ पे दूसरे टीम के न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल के
टीम न्यूज के बारे में बात करते गए तो यार देखिए ऋषभ पंत तो आपको पता है अभी तक फिट नहीं है, डेविड वार्नर टीम को लीड कर रहे हैं एंड जो और अपडेट रहेंगे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते गए यहाँ पे प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, उसके बाद यहाँ पे प्लेयर के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए जोश बटलर अभी तक देखने को मिल जाएंगे इस मैच में, बाकी आपको पता है कि जहां तक चांसेस भी कम हो सकते हैं इनके, ठीक है प्लेइंग में मैं रख रहा हूँ गाइस, बाकी इनके जगह पे कौन प्लेयर आएंगे तो टेलीग्राम चैनल पर हम क्लियर कर लेंगे। बाकी दोस्तों आपको पता है फिंगर में इनके जो कि थोड़ा सा इंजरी हुई है तो उसके चलते प्लेइंग में से बाहर भी हो सकते हैं दोस्तों, बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यशस्वी जायसवाल के साथ दोस्तों ओपन कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर आपको संजू सैमसन जो कि राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर है, फिर उसके बाद देवदत्त पेडकल जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, सिमरन हिटमैन दोस्तों जो कि आपको थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन रियान पराग जो कि राइट हैंड बैट्समैन लेग ब्रेक गूगली बॉल से, एंड उसके बाद जेसन होल्डर राइट हैंड बैट्समैन राइट मीडियम फास्ट बॉलर से, रवि चंद अश्विन राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर से, ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट यानी कि पेसर बॉलर से, के एम आसिफ जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट यानी कि पेसर बॉलर है, एंड उसके बाद यजुवेंद्र चहल जो कि लेग ब्रेक गूगली बॉलर यानी कि स्पिनर बॉलर है। ये प्लेइंग 11 रहने वाले हैं, बाकी दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ चेंजमेंट जो है देखने को मिल सकते हैं ये दोस्तों जोश बटलर के, ये अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। एंड दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे स्पेल किसको किसको मिल सकते हैं, देखिए यजुवेंद्र चहल आपको पता कन्फर्म है कि पूरे पूरे स्पेल कराएंगे, और आपको पता है ये मिडिल ऑर्डर पे आते हैं उसके साथ साथ डेथ में भी दोस्तों ये आ जाते हैं स्पेल लेकर के। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट आपको पता है पावर प्ले के स्पेल कराते हैं, के एम आसिफ ये भी पावर प्ले में आपको देखने को मिल जाएंगे, जेसन होल्डर दोस्तों मिडिल ऑर्डर और डेथ में आपको बैटिंग बॉलिंग करते नजर आएंगे, एंड उसके साथ साथ दोस्तों अश्विन भी, ठीक है। एंड देखिए ये चार पांच बॉलर दोस्तों जो आपको दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे स्पेल भी कराएंगे। एंड बात करें यहाँ पे देखिए स्पिनर तो आप समझ ही सकते हैं जो मैंने बताया यहाँ पे ये स्पिनर रहने वाले, और ये भी दोस्तों स्पिनर है रियान पराग तो, बट ये बॉलिंग जहाँ तक नहीं कराएंगे जो कि फिलहाल रविचंद्र अश्विन और यजुवेंद्र चहल। और उसके बाद अगर बात करें यार चहल को रखना है कि नहीं रखना तो फिलहाल सेकेंड में थोड़ी कुछ खास हेल्प नहीं मिली थी, बाकी दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे ये टीम जो है चेज करेगी तो फिर यहाँ पे इनका जो है यजुवेंद्र चहल का बॉलिंग का कुछ परफॉर्मेंस जो होता है बहुत ही खास हो जाता है आईपीएल में, खास करके विकेट इनको ज्यादातर मिल जाती है, ठीक है। पहले जो कि राजस्थान रॉयल्स के मैच को आपने देखा है कि सेकंड में बॉलिंग करा रहे थे अच्छी विकेट दोस्तों इन्होंने निकाली है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे डेली कैपिटल्स के प्रबल प्लेइंग के बारे में, डेविड वार्नर पृथ्वी शाह ओपन कर रहे हैं, डेविड वार्नर जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, पृथ्वी शाह राइट हैंड बैट्समैन है, मिचेल मार्श की बात करते हैं राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, रैली रोसो की बात करते हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, सरफराज खान जो कि राइट हैंड बैट्समैन एंड विकेट कीपर है, अभिषेक पौरल जो कि आपने देखा दोस्तों फिलहाल रिसेंट कुछ खास थे मतलब उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन प्लस विकेट कीपर है, अक्षर पटेल लेफ्ट हैंड बैट्समैन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स यानी कि स्पिनर बॉलर है, अमान खान राइट हैंड बैट्समैन एंड उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये स्पिन बॉलर है। उसके बाद कुलदीप यादव की बात करते हैं ये भी स्पिन बॉलर्स दोस्तों, एंड उसके बाद मुकेश कुमार की बात करते हैं राइट आर्म मीडियम पेसर बॉलर्स हैं, एंड इज नोकिया राइट आर्म फास्ट यानी कि पेसर बॉलर्स गाइस। एंड बात करते हैं स्पेल कंफर्म की, देखिए नोकिया और मुकेश कुमार कुलदीप यादव ये स्पेल तो कराएंगे करेंगे, साथ ही साथ अमन खान भी दोस्तों करा देते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे अक्षर पटेल दोस्तों, ठीक है जो स्पेल आपने देखा है ये कन्फर्म स्पेल थे रिसेंट, बाकी आप स्पिनर समझ सकते हैं अक्षर पटेल कुलदीप यादव स्पिनर रहने वाले तो थोड़ी इनको कम अपनी टीम में जगह दीजिएगा जिस आपसे पिच कहती है दोस्तों रिसेंट जो मैच हुआ है। दोस्तों रियल पे खेलने के फायदे बताऊँ आपको, एंट्री फी कंपेरिजन जो कि सबसे कम है अदर फैंटेसी एप्लीकेशन को देखते हुए, जैसे कि जो रियल पे आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं 1099 का तो अदर फैंटेसी वाले आपसे कितना लेंगे 1724 रुपये, बट आपका रियल कितना सेव कर रहा है 625 रुपये, एंड उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट में आपको सेविंग मिल जाएगी जो कि अदर फैंटेसी एप्लीकेशन पे बिल्कुल नहीं मिलने वाली। तो मेरे भाई फटाफट आप लोग डाउनलोड करें रियल को, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है लिंक। आगे बढ़ते गए यहाँ पे प्लेयर के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों जो प्लेयर का परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जोश बटलर जो कि हेडक्वार्टर्स का है 10 मैच इनका, ठीक है सामने वाली टीम के गेस में, जिसमें कि 304 रन है 23 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, वेन्यू पे एक मैच है दोस्तों जिसमें कि 19 रन है, रीसेंट फॉर्म की बात करते हैं देखिए पहले मैच में 54 उसके बाद फिर 19, तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट बैटिंग करके आ रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों आपको पता है कि ये फिलहाल अच्छी बैटिंग करते भी हैं और ठीक ठाक बैट्समैन भी है, तो ज्यादातर लोगों के अभी भी ये कैप्टन रहने वाले गए तो रखना है कि नहीं रखना कैप्टन, देखिए वेन्यू पे कुछ खास नहीं है 19 ही रन है तो आप समझ सकते हैं। जायसवाल की बात करते गए 3 मैच है जिसमें कि हेडक्वार्टर्स के 19 करोड़ से बैटिंग करें, इस ग्राउंड पर अगर हम बात करते हैं 11 ही दोस्तों रन है जो रिसेंट आपने देखा है इस टीम का इसी ग्राउंड पर मैच हुआ है, जिसमें अगर हम बात करें यार तो फिलहाल बटलर और जायसवाल ये दोनों के दोनों कुछ खास कर नहीं पाए थे। उसके बाद संजू सैमसन ने दोस्तों 42 रन बनाया है इसी ग्राउंड पर आपने देखा है रिसेंट, एंड उसके बाद यहाँ पर 2 मैच इन्होंने खेले रिसेंट जिसमें पहले मैच 55 उसके बाद फिर 42,
एंड उसके बाद हेड कॉर्स की बात करते हैं, उन्नीस करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, वेन्यू पे ठीक हैं दोस्तों, तो सैंजू सैमसन को लेकर के जा सकते हैं, बाकी जोस बटर भी ठीक रहेंगे। एंड आपने देखा था सिसिल जायसवाल, जहां तक मुझे लग रहा है कुछ खास नहीं हो सकते क्योंकि ये चेस कर रहे थे दोस्तों, आपको पता है, ठीक है, चेस कर रहे थे, तो मुझे जहां तक लग रहा चेसिंग में हम इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी राजस्थान रॉयल्स अगर पहले इनिंग बैटिंग करती है तो जायसवाल को दोस्तों हम ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद देवदत्त पेडकल, आपको पता है दो मैच खेल करके आ रहे हैं जिसमें पहले मैच दो, फिर उसके बाद 21, इस ग्राउंड पर दोस्तों इन्होंने 21 रन बनाए। एंड हेड कॉर्स की बात करते हैं, छह मैच है सामने टीम के इसमें, जिसमें 28 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं। हेटमर की बात करते हैं, आपने देखा इस ग्राउंड पर चेस कर रहे थे अभी रिसेंट वाला, जो कि मैच को भाई जीतते जीतते बचे, बाकी ठीक ठाक बैटिंग इन्होंने ग्राउंड पर दी है दोस्तों। एंड उसके बाद पहले मैच 22, उसके बाद फिर 36। हिटमैन हेड कॉर्स की बात कर लेते हैं इनके, तो एक मैच में एक ही रन है सामने वाली टीम के अगेंस्ट में दोस्तों, तो डेली कैपिटल के अगेंस्ट में कुछ खास नहीं है। बाकी टीम सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, देखिए जोस पटर वेन्यू पर ठीक ठाक बैटिंग कर रहे हैं, सैंजू सैमसन को रख लेंगे, जायसवाल को दोस्तों हम फर्स्ट इनिंग में ट्राई करेंगे, एंड उसको पेडिकल को दोस्तों अभी फिलहाल के लिए हम ड्रॉप कर सकते हैं, सिमरन हेटमैन को दोस्तों ट्राई करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद बात करते हैं आपके रियान पराग को रखना है कि नहीं रखना, देखिए रियान पराग पहले मैच कुछ खास नहीं रहे, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 20 रन है, ठीक है। बाकी तीन बैट्समैन तो हमारे कंफर्म है कि रहने ही रहने चाहिए टीम में। अब यहाँ पे जायसवाल या देवदत्त पेडकल, दो में किसी एक को आप सिलेक्शन कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे, जैसे कि जायसवाल को मैं फर्स्ट इनिंग में ट्राई करूंगा, पेडकल को मैं यहाँ पे चेसिंग में रख सकता हूँ अपने टीम में दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रियान पराग तो कुछ खास नहीं है, वेन्यू पे ठीक है, 20 रन बनाए उन्होंने, अच्छी बैटिंग कर रहे थे दोस्तों, एंड उसको बाउंड्री भी लगाई थी, तो कहीं ना कहीं चेस करना पड़ गया, तो फिर कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट यार मुझे नहीं लग रहा सामने वाली टीम का जो बैटिंग लेना, आपने देखा दो मैच में कुछ खास नहीं है डेली कैपिटल का, मतलब परफॉर्मेंस आउट ऑफ फॉर्म सभी के सभी बैट्समैन है, डेविड वार्नर थोड़ा ठीक ठाक कर रहे हैं। बाकी बात करते हैं यहाँ पे जो राजस्थान रॉयल्स के लास्ट के कुछ प्लेयर रहने वाले, जेसन होल्डर, यानी कि दिल्ली के अगेंस्ट में दोस्तों इन्होंने 7 मैच खेले हैं, जिसमें कि 2 ही विकेट हैं और 21 रन बनाए हैं, कुछ खास नहीं है, बट इस ग्राउंड पर दोस्तों इनको काफ़ी अच्छी हेल्प मिली, 2 विकेट मिली थी, ठीक है। पहले मैच में बात करते हैं, एक विकेट है, तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट है, दोनों मैच में विकेट लेकर के आ रहे हैं आईपीएल में, तो इनको टीम में रख सकते हैं। अश्विन की बात करते हैं, पहले मैच में एक विकेट, फिर उसके बाद एक विकेट। एंड अगर हम बात करें वेन्यू भी दोस्तों, तो एक मैच में एक विकेट है रिसेंट वाला आपने देखा। एंड हेड कॉर्ड्स की बात करते हैं, तो 20 मैच में 22 विकेट, तो चांसेस इनके रहेंगे गाइस, आप याद कर लीजिए अश्विन। और आपने रिसेंट देखा था पिछले मैच में ड्रीम टीम में दोस्तों ये शामिल थे अश्विन, बहुत कम लोग इनको ट्राई करके गए थे। तो जहां तक अगर आप दोस्तों जो है देवदत्त पेडकल, यशस्वी जायसवाल दोनों को ड्रॉप कर रहे हैं, तो फिर यार अश्विन और जेसन होल्डर दोनों को ही आप ऑलराउंडर के सेक्शन से पिक कर सकते हैं। एंड उसके बाद बात करते हैं बोल्ड की गाइस, तो हेड कॉर्ड्स 8 मैच में 11 विकेट है, वेन्यू दोस्तों एक मैच है जिसमें कोई विकेट नहीं है। एंड दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान का जो रिसेंट मैच हुआ था, वो दोस्तों मैंने आपको क्लियर किया था कि फिलहाल जो है, ठीक है, फिलहाल ये फ्लॉप रह सकते हैं, क्योंकि इनका हेड कॉर्ड बहुत ही खराब था, वो भी दोस्तों आपने देखा हुआ भी, कोई विकेट इनको नहीं मिली थी यहाँ पे। बाकी ग्राउंड पे देखिए कोई अच्छे विकेट नहीं है दोस्तों इनको, बट हेड कॉर्ड जो देखते हैं दिल्ली के केस में 8 मैच में 11, तो चांसेस रहेंगे, थोड़े बहुत रिस्की भी हो सकते हैं, बट मेरे भाई विकेट इनको मिलेगी, चाहे एक ही विकेट मिले, तो टीम में इस मैच में पिक करने वाली पिक ये रहने वाले हैं। के एम एसएफ की बात करते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस है दिल्ली के केस में, एक मैच में 2 विकेट है। एंड उसके बाद वेन्यू पे एक मैच आपने देखा जिसमें 0 विकेट है, बट यार दो मैच लगातार ये फ्लॉप है, चांसेस इनके भी बन सकते हैं हेड कॉर्स को देखते हुए, क्योंकि दोस्तों पावर प्ले में इस पे लेकर के आएंगे, और सामने टीम में जो पावर प्ले का आपने देखा बैटिंग लाइनअप है, जैसे कि डेविड वार्नर थोड़ा सा ठीक बढ़िया खेल रहे हैं, बाकी आप देख रहे हैं मिचेल मास आते हैं, एंड उसके साथ जो दोस्तों जो उनके साथ और ओपनर हैं, तो मतलब कुछ खास कर नहीं पाते उस टीम के लिए, ठीक है। तो जहां तक इनको चांसेस बन सकते हैं, तो ट्रंप भी हो सकते हैं। यजुवेंद्र चहल की बात करते हैं, मिडिल और डेथ के बॉलर मतलब बॉलिंग कराते हैं, हेड कॉर्ड्स दिल्ली के अगेंस्ट में 17 मैच में 17 विकेट, इस ग्राउंड पे 1 विकेट है, तो थोड़ा सा इनके ऊपर हम कम भरोसा करेंगे, बट टीम में लेकर के जाएंगे। एंड अगर हम बात करें जब ये सेकेंडिंग बॉलिंग कराती है राजस्थान रॉयल्स, तो फिर यहाँ पे हम कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक भी इनको कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आईपीएल में इनका रिकॉर्ड रहा है सेकेंडिंग में, बहुत अच्छी फॉर्म में रहते हैं, अच्छी खासी विकेट भी प्रोवाइड करते हैं टीम को, और भाई कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक भी ज़्यादातर हो जाते हैं। बात करेंगे यहाँ पे डेली कैपिटल्स के प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में, डेविड वार्नर, पृथ्वी शाह, अगर हम बात करें वार्नर की, तो फिलहाल 14 मैच इनके रिकॉर्ड्स के, यानी कि राजस्थान के गेस में 33 करोड़ से बैटिंग करे, तो कंसिस्टेंट है। वेन्यू दोस्तों इनका एक भी मैच नहीं, बट दो मैच जो आपने देखा पहले मैच 56, उसके बाद फिर 37, ठीक ठाक है बैटिंग करके आ रहे हैं, टीम में लेकर के जा सकते हैं। और हेड और स्मॉल लीग में दोस्तों आप कैप्टन की पिक भी कर सकते हैं, बट ग्रांड लीग के लिए तो मुझे जहाँ तक चांसेस कम रहेंगे, बट यार जो हेडक्वार्टर्स बढ़िया है 33 करोड़ से बैटिंग पिच भी है, तो कर भी सकते हैं ग्रांड लीग में भी इनका कॉम्बिनेशन दोस्तों। एंड बात करें पृथ्वी शाह का, तो फिलहाल 8 मैच इनके, जो कि राजस्थान के केस में 20 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, वेन्यू पे एक भी मैच नहीं है, रिसेंट दोनों मैच उसमें फ्लॉप है लगातार, आप देखिए इनका सिलेक्शन कम होगा, और ये बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं आईपीएल में, अगर इनका पिछला रिकॉर्ड देखते हैं पिछले सीजन का, तो कहीं ना कहीं यार ये ट्रंप रहेंगे, क्यों दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कम सिलेक्शन रहेगा, अगर विनिंग कराएगा कोई भाई ड्रीम टीम में, तो पृथ्वी शाह जैसे हो गए, ठीक है, इनको आप भरोसा कर सकते हैं अपनी टीम में। एंड उसके बाद बात करते हैं मिचेल मास की, ये भी दोस्तों अब देखिए कम सिलेक्शन हो गए, 2 मैच लगातार इनको लोगों ने रखा, बट यार कुछ खास नजर नहीं है, बट लास्ट वाले मैच में आपने देखा इनको विकेट भी मिले
मिल गई थी। ठीक है, पहले मैच फ्लॉप थे पूरे के पूरे। बाकी हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, 3 मैच है राजस्थान के अगेंस्ट में, बहुत ही कंसिस्टेंट है, 41 के उससे बैटिंग करे, 3 मैच में 2 विकेट भी मिली है, ग्राउंड पर दोस्तों एक भी मैच नहीं इनका। देखिए डेविड वार्नर, मिचेल मार्श तो ये रहने वाले, क्योंकि डेविड वार्नर और काफ़ी अच्छी बैटिंग भी कर रहे थे और मिचेल मार्श जो है काफ़ी अच्छी बैटिंग कर भी सकते हैं, ये भी आप समझ लीजिएगा। पृथ्वी शाह देखिए 20 के ओवर से कम सिलेक्शन वाले प्लेयर रहेंगे मेरे भाई, लेकर के जा सकते हैं। रैली रोसो की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स और वेरीक्वार्टर्स का एक मैच नहीं, बट आपने देखा पहले मैच 30 उसके बाद फिर दोस्तों 0। ठीक है, तो कुछ अच्छी बैटिंग देखने को नहीं मिली, बट हिटर बैट्समैन है, इस पिच पे अपना बल्ला चला सकते हैं, अगर ये ठीक ठाक खेले तो दोस्तों आपको अच्छा स्कोर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिलेक्शन बहुत कम होगा मेरे भाई, तो रिस्क आप ले सकते हैं। सरफराज खान की बात करेंगे, हेडक्वार्टर्स के 7 मैच दिल्ली के गेस्ट में, सॉरी राजस्थान के गेस्ट में, जिसमें कि 14 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं, वेरिंग पे एक भी मैच नहीं, पहले मैच आपने देखा 4 उसके बाद फिर दोस्तों 30, तो बहुत कम सिलेक्शन वाले ये भी प्लेयर रहेंगे, रैली रोसो और पृथ्वी शाह, इन पे दोस्तों आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, इनको अगर आप टीम में लेकर के जाएंगे मेरे भाई, तो आपको ये ट्रंप के हिसाब से विनिंग कराएंगे, टीम में कोई तो एक ऐसा होगा जो कि ड्रीम टीम के लिए आपके बेस्ट होगा। तो जहां तक मेरे हिसाब से रैली रोसो को ट्राई कर सकते हैं। सरफराज खान देखिए टाइम स्पेंड करके खेलेगा, आपको रन जरूर देगा, जब दोस्तों आपने यहाँ पर पृथ्वी शाह को नहीं रखे तो यार सरफराज खान फिर आपके टीम में होना चाहिए, रैली रोसो दो में कोई तो एक होना चाहिए आपको। अभिषेक पोरल जो हेडक्वार्टर्स और विनक्वार्टर्स का एक मैच नहीं, पहले दोस्तों आपने देखा फिलहाल फिलिंग में शामिल है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला मैच आपने देखा 20 रन, तो चांसेस इनके भी इस बंदे के भी हो सकते हैं। देखिए मतलब कि कम सिलेक्शन वाले प्लेयर ही मेरे भाई आपको रखने हैं, अगर आपको ग्रांड लीग के लिए कुछ खास टीम बनानी है तब। दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं कैसे, यहाँ पे फिलहाल बात करते हैं जो लास्ट के प्लेयर रहने वाले इस टीम के, अक्षर पटेल और अमान खान। अक्षर पटेल की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स के 13 मैच है जिसमें कि फिलहाल 87 रन है, 6 के ओवर से बैटिंग करें, 13 मैच दोस्तों 12 विकेट है, ग्राउंड पे एक भी मैच नहीं है। रिसेंट आपने देखा पहले मैच 16 रन + 1 विकेट, उसके यहाँ पे 36 रन, दोस्तों कोई विकेट नहीं। एंड अगर हम बात करें टीम में रखने की, तो यार अक्षर पटेल को तो लेकर के चल ही सकते हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों रहेगी इस प्लेयर के पास। और शाम जब अगर देखते हैं टॉप ऑर्डर फ्लॉप करते हैं इस टीम का हिसाब से, दोनों मैचेस में फ्लॉप होकर के आ रहे हैं, तो फिर यार ये इंपॉर्टेंट प्लेयर भी हो जाते हैं। अमान खान की बात करते हैं, हेडक्वार्टर और वेडक्वार्टर पर एक विच नहीं, बट आपको ये बॉलिंग सेक्शन मिल रहे हैं, एंड देखिए बैटिंग लाइन इनका कमजोर है, इस पर मिल नहीं रहे, तो इनको ड्रॉप करके चलेंगे। कुलदीप यादव हेडक्वार्टर यानी कि राजस्थान के केस में 7 मैच में 7 विकेट है, ग्राउंड पर दोस्तों एक भी मैच नहीं है। रिसेंट आपने देखा पहले मैच 1 विकेट, उसके यहाँ पर 0 विकेट, तो दोस्तों ग्राउंड पर देखिए बता दूं कि आपने देखा स्पिनर को सेकेंड में थोड़ी आपने देखा किस हिसाब से हेल्प मिल रही है, कुछ खास नहीं है, तो मेरे हिसाब से यार इनको हम सभी टीम में लेकर के जाएंगे नहीं, बट सिलेक्शन कम होगा ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक ठाक ये बॉलर्स भी हैं। मुकेश कुमार की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स और वेनक्वार्टर्स एक मैच नहीं, पहले से 0 उसके बाद यहाँ पर बॉलिंग नहीं, तो कहीं ना कहीं यार टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बट यार देखिए कम सिलेक्शन वाले ही प्लेयर आपको टीम में ज़्यादातर चूज भी करने, अगर आपको रिस्क पसंद है, क्योंकि आप ड्रीम टीम रेगुलरली देखते होंगे, जो बंदा भाई विन करता है तो उसको आपने देखा होगा कि उसके टीम में ऐसे प्लेयर मौजूद होते हैं जो कि कम लोग सेलेक्ट करते हैं, जो कि आपकी सोच भी नहीं रहती, वही लोग मतलब कि लेकर के जाता है और वही बंदा विन करके जाता है। एंड उसके बाद बात करते हैं नोकिया की, तो कहिए कि हेडक्वार्टर्स में बहुत ही कमाल की बॉलिंग है राजस्थान के गेस में, 4 मैच में 7 विकेट हैं, एंड वेन दोस्तों एक भी मैच नहीं, बट आपने देखा पहले से 0 उसके यहाँ पे 2 विकेट, ठीक है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यार नोकिया का जो कि 5 मैच का परफॉर्मेंस देखते हैं तो ठीक ठाक है, देखिए 1 फिर 2 फिर 0 फिर 2, तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट है, और भाई इस बंदे पे भरोसा करेंगे तो फिर सामने वाली टीम में जो थोड़ा सा कैप्टन वाइस कैप्टन का रिस्क जो हम लेंगे तो उसको कम करेंगे गाइस, ठीक है आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नोकिया के पास स्पेस रहेगा, बढ़िया हेडक्वार्टर 4 में 7 विकेट हैं, तो भाई यहाँ पे हम नोकिया का कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन भी करेंगे, इसके साथ वार्नर के साथ दोस्तों कर सकते हैं आप। एंड आगे बढ़ते गाइस यहाँ पे जो कि हेडवर्ड की बात कर लेते हैं, जो कि हेडवर्ड में एक दूसरे के गेस में सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, जोश बटर, देवदत्त पेडिकल, अश्विन, चहल, ट्रेंट बोल्ट, वार्नर, एंड उसके बाद मिचेल मार्श, अक्षर पटेल और नोकिया, ये जो कि एक दूसरे के गेस में दोस्तों सबसे अच्छी फॉर्म में आने वाले प्लेयर्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भी मेरे भाई ले सकते हैं, इसका भी आप कॉम्बिनेशन जो है कर सकते हैं। आगे बढ़ते गए यहाँ पे जो इस ग्राउंड पे सबसे बेस्ट प्लेयर हैं वो मैं आपको शो कर देता हूँ, जोश बटलर देखिए ठीक है बट उतना भी ठीक नहीं है, 19 रन बनाए इन्होंने, बट सबसे बेस्ट जो कि संजू सैमसन है, 42 रन बनाए, 42 के उससे बैटिंग करें। सिमरन हेडमैन जो कि 36 रन बनाए इस ग्राउंड पर, होल्डर को अच्छी हेल्प मिले दोस्तों तो चूज कर सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक। चहल को कुछ खास नहीं बट फिर भी 1 विकेट जो है मिल गई थी, इस ग्राउंड के सबसे बेस्ट प्लेयर है ये, जो कि रिसेंट आपने देखा, स्क्रीनशॉट दोस्तों आप ले सकते हैं। एंड उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्लेयर बैटल की, ठीक है, तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, जब आप टीम बनाएंगे तो किस बॉलर्स को किस बैट्समैन के गेस्ट में रखें ना रखें ये भी आप समझ सकते हैं। देखिए जोश बटलर को जो है मिचेल मार्श ने अगर बॉलिंग कराई तो दोस्तों फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि 20 गेंदों में दोस्तों 8 रन दिए मिचेल मार्श ने और 3 बारी आउट किया है जोश बटलर को, तो कहीं ना कहीं डेविड वार्नर ट्राई कर सकते हैं उनको बॉलिंग के लिए दोस्तों, ठीक है पेसर हैं, तो फिलहाल जोश बटलर के लिए अगर कुछ 6 रन बनाएंगे जोश बटलर तो फिर इनके लिए दिक्कत कर सकते हैं मिचेल मार्श, क्योंकि दोस्तों 20 गेंदों में 8 रन और 3 बारी आउट
बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नोकिया की बात करते गए प्रैक्टिकल के केस में 11 गेंदों में दोस्तों 17 रन दिए और 3 बारी आउट किया, तो यार बहुत इंपॉर्टेंट नोकिया भी हो सकते हैं। जब आप देवदत्त पटेल को ड्रॉप करते हैं तो फिर नोकिया को रखेंगे और नोकिया पर भरोसा करेंगे तो फिर देवदत्त पटेल को टॉप ऑर्डर से ड्रॉप करके जा सकते हैं। उसके बाद अक्षर पटेल ने संदीप सैमसन को 60 गेंदों में 67 रन दिए और फिलहाल जो है 2 बारी आउट किया है, तो यार बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन हो जाएगा हाई, तो यहाँ पर जो है कम भरोसा कर सकेंगे। कुलदीप यादव ने सिमरन हेटमेयर को 87 गेंद में 103 रन दिए, तो कुछ भी खास नहीं है, तीन बारी आउट भी किया है। एंड उसके बाद डेविड वार्नर को अश्विन ने 157 गेंद में 184 रन दिए, 5 बारी आउट किया गए। उसके बाद पृथ्वी शॉ को ट्रेंट बोल्ट ने 25 गेंद में 28 रन दिए, 3 बारी आउट किया। तो गाइस ये वाला कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं बोल्ट पृथ्वी शॉ के लिए। मिचेल मार्श को ट्रेंट बोल्ट ने 75 गेंदों में 87 रन दिए, 2 बारी आउट किया, तो भाई ये भी दिक्कत है। उसके बाद हेल्ड होल्डर की बात करते हैं रैली दोस्तों, 78 गेंद में 85 रन दिए और 3 बारी आउट किया। तो ये दोस्तों प्लेयर बैटर रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके काम आ जाएगा जब आप टीम क्रिएट करेंगे किस बॉलर्स को किस बैट्समैन के अगेंस्ट में हमें रखना है नहीं रखना, वो भी दोस्तों आप समझ सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ लेते हैं, जो मेरी एक टीम रहेगी आप देख लीजिएगा किस प्रकार से मेरी टीम एक रहेगी, एंड जो और अपडेट रहेंगे मेरे भाई तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, तो आप लोग फटाफट जो है ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करना है वो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया।